हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये देखिए, गोलू यहाँ पे गाड़ी चला रहा है और सबसे बोल रहा है कि आके बैठो मेरे गाड़ी में, आके बैठो मेरे गाड़ी में। तो उसकी मस्ती टाइम चल रही है अभी। ये देखिए, उसे ये गाड़ी बहुत पसंद है। मतलब गाड़ी उसे ऐसा लगता है कि मैं भी चला पाता तो शायद गाड़ी चला लेता। तो इस तरह से वो गाड़ी पर बैठ गया है और अपनी दादियों से बोल रहा है कि आके बैठ जाओ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो फिर ये लोग इससे बात कर रहे हैं और ये लोग लास्ट में आ जाते हैं, बस मैंने बैठने के लिए नहीं, ऐसे उसके साथ खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है बैठ गए और चलाओ तुम। तो ये फिर भी लगातार जिद करता रहता है कि नहीं बैठिए और मैं चलाऊँगा। तो दोनों दादी आके इसके बगल में खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है शाम के टाइम, लगभग अभी 4 बजे होंगे और हम लोग सबको यहाँ पे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम लोग सबको एक साथ बैठ के बात करते हैं। मतलब पूरे फैमिली के लोग जो भी जहाँ रहता है एक साथ बैठ के, मतलब हम लोग बात करते हैं। अच्छा लगता है इस तरह से एक साथ बैठ कर बात करना। और अभी शाम हो गई है, अभी 7 बज गए होंगे और गोलू पढ़ रहा है उधर और मैं आ गई हूँ यहाँ पे रात का खाना बनाने के लिए। और वो जिद कर रहा था कि नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो फिर वो बोलने लगा कि नहीं, आप खाना बनाइए और मैं पढ़ूँगा अकेले। तो कभी कभी वो इस तरह का जिद करता है कि नहीं पढ़ने का। तो फिर आज ये देखिए, मैं बना रही हूँ आलू, आलू का भुजिया बना रही हूँ ये मैं। और ये आलू मैंने पहले ये क्या था, उबाला था, तो इस तरह का आलू खाने का बहुत मन कर रहा था आज। तो फिर मैं आज इस तरह का आलू बना रही हूँ। पहले इसको उबाल के, मैंने काट के इसको हल्दी नमक के साथ उबाला है, उसके बाद इसको छौंका डाला है, मतलब प्याज हरी मिर्च और पंचफोड़न के साथ इसको छौंका डाला है और ऊपर से टमाटर भी डाला है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब कभी कभी खाने का मन करता है तो मैं इस तरह का बना रही हूँ। उसके साथ ये मैं रोटी बना रही हूँ, आज रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ। और गोलू इधर पढ़ाई कर रहा है और बार बार मेरे पास आ रहा है, तो मैं उसे भगा रही हूँ, बोले कि जाओ पहले पढ़ाई कर लो उसके बाद आना। तो फिर ये रोटी मैं बना रही हूँ, उसके बाद बनते बनते सब कुछ बच जाएगा हमारा 8, और हमारा खाना खाने का टाइम है रात का 8:30 बजे। 8:30 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद जिसको जो करना होता है करते हैं। मतलब सोना तो इतनी जल्दी नहीं होता है, बस खाना खाने का निपटा के हम लोग बाकी काम करते हैं, जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करना और किचन वगैरह साफ़ करना, ये सब होता है। तो इसीलिए हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही बाकी काम होता है। तो ये रोटियां बन रही है मेरी और गोलू बार बार जिद कर रहा है कि मुझे रोटी में जैम लगा के दीजिए, रोटी में जैम लगा के दीजिए। तो फिर मैं उसे बीच में एक आध रोटी, दो रोटी में जैम लगा के दे दी थी, उसे वो खा रहा है। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग फ्रेंड्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो भी बताइएगा कमेंट करके, और बुरा लगा होगा तो भी बताइएगा कमेंट करके। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग सपोर्ट नहीं बनाइएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। इसलिए प्लीज़ 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 मेरा सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, मेरा भी ख्याल रखिएगा।